Bismillahir Rahmanir Rahim. Our today's topic is MDCAT topic number 14, prepositions. Prepositions combination hai do parts ka. Preposition. Pre mean before. Position mean place. Before a place. Aisa word jo ke noun se pehle wali position pe use ho, noun se pehle wali position se just before noun use ho, use hum preposition कहते हैं. डेफिनेशन देखिएगा. अ वर्ड दैट इज यूज बिफोर अ नाउन एंड शोज इट्स रिलेशन विद अनदर वर्ड ऑफ अ सेंटेंस. यानी कि ऐसा एक वर्ड, अ वर्ड, ऐसा वर्ड जो कि हमेशा नाउन से पहले. दो चीजें यहां पे हमने देखनी है कि प्रेपोजिशन के लिए दो कंडीशंस हमें पूरी करनी होती हैं. नंबर वन कि उससे उसके फौरन बाद एक अदद नाउन आना चाहिए और वो वर्ड किसी दूसरे वर्ड से उसका उस नाउन का रिलेशन भी शो कर रहा हो. सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड से इस नाउन का रिलेशन भी शो हो रहा हो तो उस वर्ड को हम प्रेपोजिशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, ही गोज टू कॉलेज. अगर हम यहां पे देखें तो हमारे पास दो प्रेपोजिशंस हैं, एक है टू, दूसरा है बाय. अब हम अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर चेक करें तो सबसे पहले इसके बाद एक अदद नाउन होना चाहिए. कॉलेज भी नाउन है और अगर हम बस को देखें तो बस भी एक नाउन है. और कॉलेज कौन जाता है? डेस्टिनेशन ही की है, इसलिए ये टू जो है ये प्रेपोजिशन ऑफ डेस्टिनेशन है, इसलिए ही और कॉलेज के दरमियान ये रिलेशन डेवलप कर रही है. और बाय जो है ये प्रेपोजिशन ऑफ सोर्स है, तो ये ही किस सोर्स को यूज करके कॉलेज जाता है? बस को करके जाता है, तो बाय भी रिलेशन ही का और बस का डेवलप कर रहा है. तो इस तरह से हमने देखा कि हर ऐसा वर्ड जिसके बाद नाउन यूज हो और वो उस नाउन का रिलेशन सेंटेंस के किसी और वर्ड से शो करे उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं. नेक्स्ट देखते हैं जी, प्रेपोजिशंस और एडवर्ब्स. सेम वर्ड जो होता है प्रेपोजिशन, समटाइम प्रेपोजिशन होती है और समटाइम एडवर्ब भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें, यहां पर हमारे पास इन टू है, यहां पर इन है, तो लेकिन ये दोनों में एक प्रेपोजिशन है और एक एडवर्ब है. अगर हम देखें तो शी गोज इन टू द ऑफिस, इन टू द ऑफिस है. अब ऐसा वर्ड जिसके बाद नाउन यूज हो वो प्रेपोजिशन होता है, तो चूंकि यहां पे ऑफिस का नाउन है इसलिए ये प्रेपोजिशन हो गई. और जिसके बाद नाउन नहीं लगता वो एडवर्ब होता है, वो प्रेपोजिशन नहीं होता बल्कि उसको एडवर्ब पार्टिकल कहते हैं. तो यहां पे आप देखिए कि इनटू जो है वो प्रेपोजिशन है जबकि इन जो है वो एडवर्ब. तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन यही है कि हमने ये देखना है कि वेदर इसके बाद नाउन यूज हो रहा है या नहीं हो रहा. अगर नाउन नहीं यूज हो रहा तो वो एडवर्ब होगा और अगर नाउन यूज हो रहा है तो वो प्रेपोजिशन होगी. नेक्स्ट हम चलते हैं जी रूल्स ऑफ प्रेपोजिशन पे. प्रेपोजिशन का एक सिंपल रूल है कि प्रेपोजिशन जब भी यूज होगी, उसके बाद हमेशा नाउन यूज होगा. अब नाउन में क्या क्या हो सकता है? नाउन में नाउन की कोई भी टाइप हो सकती है. जैसे देखें यहां पे अंडर द कैट, अंडर द कार, ये प्रेपोजिशन है तो ये आपके पास नाउन आ गया. नंबर टू पे इसके बाद प्रोनाउन यूज हो सकता है. प्रोनाउन में जैसे यहां पे देखें बिसाइड, ये है, ये प्रपोजिशन हो गई और ये आपका नाउन हो गया. जैसे यहां पे देखें इन है, ये प्रपोजिशन हो गई, ये आपके पास नाउन यूज हो गया. तो इस तरह से प्रपोजिशन के फौरन बाद नाउन या नाउन इक्वल जो है वो यूज होने चाहिए. प्रपोजिशन के बाद जेरंड भी यूज हो सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें विदाउट प्रपोजिशन है तो आप उसके बाद जेरंड यूज कर सकते हैं. जेरंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ नाउन. नेक्स्ट हम देखते हैं जी, प्रपोजिशन के बाद नाउन फ्रेज भी यूज हो सकता है. जैसे कि अगर हम यहां पे देखें टू, टू प्रपोजिशन है तो इसके बाद ये सारा फ्रेज लगा हुआ है. फिर प्रपोजिशन के बाद क्लॉज यूज हो सकता है. जैसे कि आप यहां पे देखिएगा कि अबाउट है, अबाउट के बाद वेयर से लेके ये एंड तक पूरा क्लॉज यूज हो रहा है. तो इस तरह से प्रेपोजिशन के बाद हम ये देख सकते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद नंबर वन पे नाउन यूज होना चाहिए, प्रोनाउन यूज हो सकता है, जेरंड यूज हो सकता है, फ्रेज यूज हो सकता है या नाउन क्लॉज यूज हो सकता है, जिसकी हमने एग्जांपल्स को देखा. अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि टू एक ऐसी प्रेपोजिशन है, लेकिन टू एक ऐसी प्रेपोजिशन है जो के नाउन के साथ साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को, जो जिसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, वो भी यूज करते हैं. जब ये एज एन इन्फिनेटिव का पार्ट होगा तो ये प्रेपोजिशन नहीं होगी, और जब ये इसके बाद नाउन आएगा तो ये प्रेपोजिशन के तौर पे आएगी. फॉर एग्जाम्पल, ही लॉक द डोर टू कीप, ये इन्फिनेटिव है. और अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखें, बशीर गेव 1000 रुपीज टू सलमान एंड मी टू गो टू द स्टोर. अब यहां पे अगर आप देखें ये टू प्रेपोजिशन है क्योंकि इसके बाद नाउन यूज हो रहा है, तो अगर टू के बाद नाउन यूज होगा तो वो प्रेपोजिशन होगी, अगर इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा तो फिर ये इन्फिनिटिव बन जाता है.
अदरवाइज प्रपोजिशन अपने बाद नाउन ही जो है वो हमेशा लेता है नाउन की, और हमने ये सारे एग्जांपल देखेंगे नाउन की जगह पे क्या क्या यूज होता है, नाउन बी, प्रोनाउन बी, जेरंड, फ्रेज और क्लॉज के तौर पर। नेक्स्ट हम चलते हैं जी यूज ऑफ द प्रपोजिशन पे। प्रपोजिशन को हम फाइव डिफरेंट स्टाइल में यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रपोजिशंस को हम लोकेशन के लिए यूज करते हैं, फिर हम प्रपोजिशन ऑफ लोकेशंस, और उसके लिए तीन प्रपोजिशंस होती हैं, इन, ऑन और एट। फिर हम प्रपोजिशन को यूज करते हैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और जिसमें आती हैं हमारे पास फाइव प्रपोजिशंस, इन, इनटू, ऑन, ऑन टू, टू और टूवर्ड्स, और टूवर्ड्स। फिर प्रपोजिशंस टाइम के लिए यूज होती हैं, प्रपोजिशंस ऑफ टाइम कहते हैं उनको, और वो कौन कौन सी हैं जी, इन, ऑन, एट, विदन, बाय, फॉर, सिंस, ड्यूरिंग, फॉर, फ्रॉम और टू। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं प्रपोजिशंस ऑफ वर्ब, के वर्ब के साथ कौन कौन सी प्रपोजिशन, जिसको हम फ्रेजल वर्ब भी कहते हैं, कौन कौन सी प्रपोजिशंस यूज हो सकती हैं, एट, फॉर, विद, ऑफ, अबाउट एंड मैनी मोर। और लास्ट पे जो हम प्रपोजिशन का यूज पढ़ेंगे वो होगी प्रपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप, के स्पेस के अकॉर्डिंगली, पोजिशन के अकॉर्डिंग हम प्रपोजिशन को कौन कौन सी प्रपोजिशन किस तरह से यूज करते हैं, वो यहाँ पे अराउंड, अलोंग, विदन, अगेंस्ट, आउट ऑफ, अक्रॉस, थ्रू, अबव, अंडर, बीनीथ, बिसाइड, बिहाइंड, बिटवीन, अमंग, ऑफ, अहेड ऑफ, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, नियर बाय। सो ये दीज आर द यूसेज ऑफ द प्रपोजिशन। प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन जिसमें इन, ऑन और एट आएगा, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन इन, इन टू, ऑन, ऑन टू, टू, टू वर्ड और टू वर्ड्स, प्रपोजिशन ऑफ टाइम इन, ऑन, एट, विदन, बाय, फॉर, सिंस, ड्यूरिंग, फ्रॉम एंड टू, प्रपोजिशन ऑफ वर्ब एट, फॉर, विद, विद और एंड अबाउट, और प्रपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप अराउंड, अलोंग, विदन, अगेंस्ट, आउट ऑफ, अक्रॉस, थ्रू, अबव, अंडर, बीनीथ, बिसाइड, बिहाइंड, बिटवीन, अमंग, ऑफ, अहेड ऑफ, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, नियर बाय। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हम अब वन बाय वन इन तमाम जो यूज है इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन को। प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्फेस। प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन में सबसे पहले सर्फेस के लिए हमेशा प्रपोजिशन हमारे पास होगी ऑन, और ऑन जो होगी ये सर्फिस के लिए यूज होता है, कि ये हमें बताती है कि कोई चीज, लेट्स सपोज दिस इज अ रोड, ये रोड है और कोई एक पर्सन इस रोड के, कोई एक पर्सन यहाँ पे रोड के ऊपर है इस तरह से कि इसको कोई भी कवरिंग नहीं है किसी साइड से, तो ही स्टैंडिंग ऑन द रोड। तो ये ऑन जो होता है ये हमें बताता है, टेल्स अस दैट द फॉलोइंग नाउन इज लोकेटेड ऑन अ सर्फिस, सर्फिस जो किसको एक साइड से टच कर रही हो, जैसे ऑन द टेबल है, ऑन द फ्लोर है, ऑन द चेयर है, ऑन द रोड है, तो इस तरह से सरफेस है। अब अगर हम इन एग्जांपल्स में देखें, जैसे ये जो बी है ये इस सरफेस के ऊपर है और कवर्ड नहीं है, इसलिए ये ऑन द कार्टून। और देन यहां पे अगर आप देखें तो ये कैट जो है ये भी इस बॉल के बिल्कुल ऊपर सरफेस के ऊपर है, इसलिए ये भी ऑन द बॉल होगा। नेक्स्ट, तो इस तरह से जब भी कोई चीज सरफेस के ऊपर होगी तो उसके लिए हम ऑन यूज करेंगे। देन नंबर टू पे है जी एनक्लोज एरिया। प्रपोजिशन लोकेशन फॉर एनक्लोज एरिया, उसके लिए हमारे पास है इन। इन जब भी कोई चीज एनक्लोज्ड होगी किसी चीज के अंदर, जैसे यहां पे अगर हम देखें कि लेट्स सपोज ये एक बिल्डिंग है और ये एक पर्सन इसके अंदर है, ये एक पर्सन इसके अंदर है, अब ये कवर्ड है, चाहे वो ये कवर्ड है, चाहे फिजिकल कवरिंग हो या वर्चुअल कवरिंग हो, अगर कवर्ड होगा तो वो उसके लिए प्रपोजिशन इन यूज करेंगे। तो इन टेल्स अस दैट द नाउन इज इन एन एनक्लोज्ड स्पेस, यानी कि सराउंड की होती है, क्लोज्ड ऑफ ऑन ऑल द साइड्स, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वर्चुअल हो, तो अगर क्लोजिंग आ जाती है, एनक्लोजिंग आ जाती है, तो फिर हम प्रपोजिशन यूज करते हैं, इन अ कंट्री, इन अ रूम, इन अ बॉक्स, तो इस तरह से प्रपोजिशन और इन यूज की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी देखें वहां पे बी बिल्कुल सर्फिस के ऊपर थी, लेकिन अब चूंकि वो उस बॉक्स के अंदर है और बॉक्स के इन जो वॉल्स हैं इसने इनको कवर किया हुआ है, तो इसलिए यहां पे इन आ जाएगा। अब वो बॉल पहले ऊपर था, अभी बॉल उसके गिर्द लिपट गया तो ये उसके अंदर है, तो इसलिए इन द बॉल हो जाएगा। तो इस तरह से प्रपोजिशन ऑफ इन एनक्लोज्ड एरिया के लिए यूज की जाती है। थर्ड जो होता है प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन फॉर पॉइंट के लिए, जो बड़ी लोकेशन में से एक स्पेसिफिक लोकेशन को फाइंड आउट करना हो तो हम उसके लिए एट यूज करते हैं एक पॉइंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखें, टेल्स अस दैट द फॉलोइंग नाउन इज लोकेटेड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट और लोकेशन, यानी कि एक बड़े पॉइंट में से, एक बड़े एरिया में से, लेट्स सपोज अगर ये कोई रूम है, रूम का ये डोर है, ये डोर है, तो ये एक बड़े एरिया में से एक स्पेसिफिक पॉइंट डोर को नहीं होगा, एट द डोर। अगर हम
एट द रेलवे स्टेशन कहते हैं तो पूरे लाहौर के एरियाज को एक साइड पे रख के हम सिर्फ रेलवे स्टेशन वाले पॉइंट पे फोकस करेंगे, इसलिए एट शी इज वेटिंग एट द एंट्रेंस। हर बिल्डिंग की जो एक स्पेसिफिक पॉइंट एंट्रेंस गेट होगा उसके लिए ये यूज किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें एट द डोर, बाकी सारे एरिया को छोड़ दिया, सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हमने फोकस किया। एट अ स्कूल, एट अ स्कूल, इसमें जो होगा वो लोकेशन उसकी बताई जा रही है, बिल्डिंग फोकस नहीं की जा रही। तो इस तरह से प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन हम तीन तरह से यूज करते हैं, सरफेस के लिए, ऑन एंड क्लोज्ड एरिया के लिए इन, और पॉइंट के लिए एट। अब हम देखेंगे कि एट और इन में, एट वर्सेज इन में क्या डिफरेंस होता है। जैसे शी इज एट द लाइब्रेरी और शी इज इन द लाइब्रेरी। अब अगर हमने फोकस करना हो लोकेशन पे तो हम एट यूज करेंगे, अगर हमने फोकस करना हो बिल्डिंग पे तो हम इन यूज करेंगे। जैसे द एम्फसाइज इज ऑन द लोकेशन एंड द टाइप ऑफ प्लेस शी इज। तो अब पूरे स्कूल में सर जो आप एरिया को अगर हम कहते हैं शी इज एट द लाइब्रेरी, तो पूरे स्कूल के क्लासरूम्स को ऑफिसेज को छोड़ के सिर्फ हम फोकस करेंगे उसके लाइब्रेरी वाले पॉइंट पे, इसलिए एट। लेकिन अगर शी इज इन द लाइब्रेरी में है तो हमें ये देखना है कि जो फोकस होगा वो द टाइप ऑफ बिल्डिंग शी इज इन, तो वो लाइब्रेरी की जो बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में, लेट्स सपोज ये अगर लाइब्रेरी की बिल्डिंग है तो वो इस बिल्डिंग के अंदर है। तो इस तरह से अगर बिल्डिंग को फोकस करना होगा तो हम इन यूज करेंगे, अगर लोकेशन को फोकस करना होगा तो हम एट यूज करेंगे। आई पुट एन एग ऑन, अब यहां पे देखें ये प्रेपोजिशन है, इसके बाद द पेपर इज ऑन ये प्रेपोजिशन है, फिर इन अ होटल ये प्रेपोजिशन है, इसके बाद अगर देखें हसनैन इज वेटिंग फॉर यू फॉर प्रेपोजिशन है, ठीक है। एट द बस स्टॉप, बेस्ट स्टॉप जो एक फोक फिक्स पॉइंट होता है, इसी तरह से लिव ऑन ऑन द सेवंथ फ्लोर एट 27 21 ऑक्सफर्ड स्ट्रीट इन लंडन। तो आप ये देखें कि सारी ये प्रपोजिशंस हम इसी तरह से यूज करते हैं। अब ये हमने एट, इन और ऑन को कुछ समराइज किया है। देखिए सबसे पहले कॉर्नर के लिए एट अ कॉर्नर, एट द बस स्टॉप, एट द डोर, एट द टॉप ऑफ द पेज, एट द एंड ऑफ द रोड, एट द एंट्रेंस, एट द क्रॉस रोड, एट द फ्रंट डेस्क। इसी तरह से इन को देखते हैं, इन अ गार्डन, इन लंडन, इन फ्रांस, इन अ बॉक्स, इन माई पॉकेट, इन माई वॉलेट, इन माई, इन अ बिल्डिंग, इन अ कार, ऑन द वॉल, ऑन द सीलिंग, ऑन द door, on the cover, on the floor, on the carpet, on the menu, and on a page. तो इस तरह से ये एक चार्ट में हमने on, in और at को describe किया। Next हम चलते हैं जी prepositions of direction पे। Prepositions of direction में सबसे पहले हम देखेंगे movement to a surface. Movement to a surface के लिए हम दो prepositions use करते हैं, on to और on. On को हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं और ऑन टू को अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑन टू को हम डायनामिक प्रेपोजिशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल द कैट जम्प्ड ऑन टू द सोफा, जम्प्ड ऑन टू द सोफा। लेट्स सपोज अब यहाँ पे देखें, ये एक, लेट्स सपोज ये एक टेबल है, ये उसकी सरफेस है। एक पर्सन अगर यहाँ पे खड़ा है, वो यहाँ से मूव करके जंप करके सरफेस के ऊपर आ जाता है, तो वो होगा ही जम्प्ड ऑन टू द टेबल। अब यहाँ पे अगर वो आ गया और इस सरफेस के ऊपर ही मूव करता जा रहा है, इस सरफेस के ऊपर ही मूव करता जा रहा है, तो नाउ ही इज जंपिंग ऑन द टेबल, क्योंकि सरफेस अब चेंज नहीं हो रही, पोजिशन चेंज नहीं हो रही, लेकिन एक ही सरफेस के ऊपर। द कैट ले ऑन द सोफा, अभी देखें इसमें मूवमेंट नहीं है, ऑन में मूवमेंट नहीं है, लेकिन ऑन टू में मूवमेंट होती है। तो इस तरह से मूवमेंट टू अ सरफेस, जब हम एक सरफेस से जंप करके मूव करके किसी दूसरे सरफेस के ऊपर जाते हैं तो फिर हम ऑन टू यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये पर्सन नीचे था, इसने मूव किया और इसके ऊपर आ गया, तो ही इज ऑन टू द चेयर। अगर यहाँ पे बॉल था, बॉल ने यहाँ से सरफेस के ऊपर आ गया, तो ये द बॉल इज गेटिंग ऑन टू द बॉक्स। अब लेकिन अगर इस पोजीशन को अगर चेक करें, ये अब ऑलरेडी आ चुका हुआ है, नाउ ही इज ऑन, अब मूव नहीं कर रहा, अब ये मूव नहीं कर रहा, अब ये सिर्फ इस सरफेस के ऊपर है, इसलिए ऑन। लेकिन चूंकि अगर इसमें देखें तो ये चूंकि अब मूव करके एक सरफेस से दूसरे सरफेस की ऊपर वाली जो सरफेस है सतह है उस पर जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑन टू आना चाहिए था। तो इसलिए ऑन टू में और ऑन में फर्क है। देन हम देखते हैं, देन हमारे पास है मूवमेंट टुवर्ड्स एन एनक्लोज्ड एरिया। अब जब एनक्लोज्ड एरिया आता है तो फिर इन और इन टू ही आना चाहिए था। तो इन टू भी जो है वो डायनामिक है, डायनामिक प्रेपोजिशन है, इनमें मूवमेंट जो है वो होती है, लेकिन वो स्टेटिक मूवमेंट के तौर पर, जो कि मूवमेंट सर्फिस चेंज नहीं होगी, उसमें उसका पोजिशन चेंज नहीं होगी, उसमें उसका एरिया चेंज नहीं होगा, उसके लिए इन होता है। अगर मूव करके किसी एक सर्फिस के इंटीरियर में जाया जाए
जाएगा तो फिर हम इनटू प्लेस करेंगे. नादिया पुट द केक इनटू द ओवन. अब यहाँ पे अगर लेट्स सपोज ये ओवन था ये उसका, तो यहाँ से नादिया ने जो केक है वो यहाँ से इसके अंदर रखा, अंदर रखे. तो ये अब ये जो यहाँ से मूव करके यहाँ पे, तो ये इनटू हो गया. जैसे अगर एक पर्सन बाहर से अंदर आता है तो ही केम इनटू द रूम. और अगर अब जब यहां पे आ चुका हुआ है, अब वो इनक्लोज्ड हो रहा है, उसकी मूवमेंट खत्म हो गई, नाउ ही इज इन द केक इज इन द ओवन. तो इस तरह से अगर मूव करके ही जंप्ड इनटू द वाटर. अगर आप यहां पे हम देखें तो लेट्स सपोज के ये एक सरफेस है, नीचे कोई वाटर है. अगर एक पर्सन यहाँ पे है, अगर यहाँ पे देखेंगे ही इज एट या ऑन ऑन द बैंक, अब यहाँ से वो जंप करता है, मूव करके पानी में आ जाता है, यहाँ पे पानी में आ जाता है यहाँ पे, तो ही जंप्ड इनटू द रिवर. मूव किया, मूव करके उसने सरफेस चेंज की. अब यहाँ पे जब इनक्लो आ चुका है नाउ, अब वो पानी में है, अब आगे वो कहीं मूव नहीं कर रहा है, इसलिए नाउ ही इज इन द वॉटर. तो इस तरह से हम मूवमेंट टूवर्ड्स एन एनक्लोज्ड एरिया में इन और इनटू को डिस्कस करते हैं. जैसे ये देखें यहाँ पे बच्चे ऑलरेडी पानी के अंदर है, कवर्ड है, इसलिए नाउ दे आर इन द वॉटर. और चूंकि ये यहाँ पे थे, इसने इन जंप करके द पानी में जा रहे हैं, दे जंप्ड इनटू द वॉटर. तो ये मूवमेंट है. फिर हम तीसरी जो यूज पे चलते हैं डायरेक्शन की, दैट इज मूवमेंट टू अ डेस्टिनेशन. अब यहां पे देखें कि टू और टूवर्ड में सबसे पहले डिस्टेंस है. अगर हमारा पर्पस डेस्टिनेशन को शो करना है तो हम टू यूज करेंगे, और अगर हमारा पर्पस मूवमेंट की सिर्फ डायरेक्शन को बताना है तो फिर हम टूवर्ड यूज करेंगे. टूवर्ड एंड टूवर्ड. व्हेन आई सॉ जमील ही वॉज वॉकिंग टूवर्ड द ऑफिस. यानी कि ये उसकी मूवमेंट को, कि वो ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, ऑफिस गया अभी पहुंचा नहीं है, वो उसकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन थी वो ऑफिस की तरफ थी. ठीक है. दे'ल ड्राइव टू लाहौर. अब देखें ये है उनका डेस्टिनेशन जब वो ड्यूरिंग द वीकेंड, तो जब ये टू आ गया तो इसका मतलब है वो जा ही लाहौर रहे हैं. तो अगर आपने मंजिल बतानी है तो फिर टू यूज करेंगे, अगर आपने सिर्फ मूवमेंट की डायरेक्शन को बताना है तो फिर हम टूवर्ड और टूवर्ड्स यूज करेंगे. जैसे ए टू बी का मतलब है ए अराइव्ड एट बी, ए टूवर्ड बी का मतलब होता है ए इज ऑन द वे टू बी. फॉर एग्जाम्पल देखें द बॉल इज गोइंग टूवर्ड द बॉक्स. अब ये बॉल जो है इसकी तरफ, बॉक्स की तरफ इसकी मूवमेंट की जो है वो डायरेक्शन. तो आपने सिर्फ मूवमेंट बताना है. जैसे यहाँ पे देखे बॉल होल में जा रही है, तो ये भी टूवर्ड हो गया. तो अगर हमने डेस्टिनेशन बतानी है तो टूवर्ड होगा, अगर टू होगा, और अगर हमने डायरेक्शन बतानी है तो हम टूवर्ड यूज करेंगे या टू वर्ड्स यूज करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम. प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम दो तरह का हमारे पास होता है. एक होता है पॉइंट टाइम, और पॉइंट टाइम में हमारे पास तीन प्रेपोजिशंस आती हैं, इन, ऑन और एट, जो कि फिक्स टाइम होता है. और दूसरा होता है एक्सटेंडेड टाइम, जिसको हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं. पॉइंट टाइम को, वन पॉइंट टाइम होता है, इसको हम प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते, और एक्सटेंडेड टाइम को हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं. और उसमें हमारे पास ये फाइव प्रेपोजिशंस है, ड्यूरिंग है, बाय या फ्रॉम, टिल, विदन, फॉर और सिंस. इन, ऑन और एट, जैसे कि डेट होती है, जैसे फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ होता है, तो वो पूरे महीने में एक ही पॉइंट होता है, एक ही डे होता है, एक ही डेट होती है, इसलिए वो पॉइंट टाइम होती है. ठीक है. तो पॉइंट टाइम और एक्सटेंडेड टाइम. पॉइंट टाइम को डिस्कस करते हैं. पॉइंट टाइम के लिए हमारे पास आते हैं एट, ऑन और इन. सबसे पहले एट को आए, एट नाइट, नाइट के लिए एट आता है. फिर क्लॉक टाइम के लिए हम हमेशा ऐड करते हैं एट 7 o'clock, 6:35 PM एट, और उसके बाद हॉलीडेज या इवेंट्स के जो नेम होते हैं उनके साथ हम जो एट यूज करते हैं, एट क्रिसमस, एट द वीकेंड. तो ये एट था. अब हम देखते हैं ऑन को. ऑन सबसे पहले डेज ऑफ द वीक के लिए, ऑन मंडे डेट्स के लिए, ऑन द 5th of June पर्टिकुलर डेज या इवेंट डेज के लिए, जैसे ऑन माई बर्थडे, ऑन द फॉलोइंग डे. लेकिन अगर यहाँ पे देखें ये क्रिसमस है, क्रिसमस अगर अकेला आएगा तो एट आएगा, लेकिन अगर इसके साथ डे का वर्ड एड कर दिया जाए फिर इसके साथ ऑन आएगा. एट क्रिसमस और ऑन क्रिसमस डे, जब भी डे का वर्ड आ जाता है तो फिर हम ऑन यूज करते हैं. और इनके लिए हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ डेज में, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, मंथ्स के लिए, इन दिसंबर, सीजन्स के लिए, इन विंटर, ईयर्स के लिए, इन 2015, डेकेड्स के लिए, इन द 1990s और सेंचुरीज के लिए, इन द 20th century. तो इन जो होता है ये पार्ट्स ऑफ द डेज, मंथ, सीजन, ईयर्स, डेकेड्स और सेंचुरी के लिए यूज होता है. अगर हमारे पास जैसे देखें 14th August 1947 हो, अगर हमने यहाँ प्रेपोजिशन यूज करनी है तो हम एक चीज देखेंगे वेदर डे मेंशन्ड है या नहीं. अगर तो डे मेंशन हो तो फिर आप ऑन लगाएंगे, और अगर डे मेंशन नहीं है, मंथ भी है, ईयर भी है, तो आप इन लगाएंगे.
सिर्फ आप देखिएगा कि वेदर डे और डेट है, अगर कहीं पे डे और डेट आ जाए तो आप ऑन लगा दें, और डे और डेट नहीं है तो जस्ट इन प्लेस कर दें। जैसे ऑन 14th अगस्त 1947, इन अगस्त 1947, इन 1947। फिर इसको रिवर्स में देखें, इन 1947, इन अगस्त 1947 और ऑन 14th अगस्त 1947। तो सिर्फ हमने ये देखा कि वेदर डे है या नहीं है, अगर डे है डेट है तो हम ऑन यूज करेंगे, अदरवाइज इन यूज करेंगे। नेक्स्ट जी टाइम को हम देखते हैं, नेक्स्ट एक्सटेंडेड टाइम को। एक्सटेंडेड टाइम में हमारे पास जो है वो ड्यूरिंग है, बाय है, फ्रॉम टू, विदन, फॉर और सेंस। जो ड्यूरिंग जो होता है ये वाला इस ड्यूरेशन को कहते हैं, जो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होके दूसरी पॉइंट पे खत्म। जैसे ड्यूरिंग द समर वेकेशन, जहां भी समर वेकेशन स्टार्ट होंगी और जब तक एंड होगी उसके जो दरमियान वाला जो टाइम पीरियड होगा उसके लिए हम ड्यूरिंग यूज करेंगे। फिर यहाँ पे सिंस देखें, सिंस होता है फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट अंटिल लेटर टाइम और अंटिल नाउ। फिर फॉर को अगर देखें तो यूज टू शो एन अमाउंट ऑफ टाइम। फिर फ्रॉम को देखें, फ्रॉम में बताता है स्टार्ट, फ्रॉम स्टार्ट का टाइम के लिए होता है, टू जो होता है वो एंड टाइम के लिए होता है, टिल भी आ सकता है, और बाय जो होता है वो जो भी डेट बताई जाती है, जो टाइम बताया जाता है उसके बाद नहीं उस तक हमारे पास टाइम होता है, नॉट लेटर देन और बिफोर। तो ये हमारे पास जो था वो एक्सटेंडेड टाइम था। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें, इट वॉज बैंड फर्स्ट लाइव परफॉर्मेंस सिंस दिस वन, देन इसके बाद आई विल हैव इट डन बाय टुमारो, यानी कि कल से पहले पहले करना है। यू शुड रिसीव अ रिप्लाई विदन 7 डेज, 7 डेज का टाइम है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहां से लेके यहां तक है, तो आपने इस अरसे में आपने ये काम करना है विदन 7 डेज। फिर ड्यूरिंग द नाइट, जैसे नाइट स्टार्ट होगी और नाइट ये यहां पे अगर जब डे स्टार्ट हो जाएगा, ये डे था, ये डे था, ये नाइट थी, तो यहां से स्टार्ट करना है और यहां तक जो है वो आपके पास टाइम है। तो फिर फॉर थ्री शेयर्स, और फिर उसका फ्रॉम 8 बजे को काम स्टार्ट हुआ है और 7 PM को वो एंड होगा। तो इस तरह से ये हमारे पास जो प्रपोजिशंस ऑफ टाइम आ रही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, ये एक समराइज है, समरी है, हमने जो अभी तक पढ़ा इन, ऑन और एट की। ये टाइम के लिए हम यूज कर रहे हैं, ये लोकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। अगर हमारे पास सेंचुरी है, डेकेड्स है, ईयर है, मंथ है और वीक है, तो वो आपके पास इन यूज होगा, ठीक है। और अगर आप जो डेज हैं, वीकेंड्स हैं, और डेज वीकेंड्स हैं, डेट्स हैं, तो फिर आप ऑन यूज करेंगे, और अगर आपके पास आर्स आ जाते हैं तो फिर आप एट यूज करेंगे, वेरी स्पेसिफिक या स्मॉलेस्ट। अगर आप देखें बिगर एरियाज में जाते हैं तो फिर कंट्री के लिए, सिटी के लिए, नेबरहुड के लिए आप क्या करते हैं, आप इन यूज करते हैं। अगर आप स्मॉलर की तरफ जाते हैं तो फिर स्ट्रीट्स हो गई, कॉर्नर, और उसके लिए ऑन आता है। और अगर स्मॉलेस्ट पे चले जाते हैं तो फिर एट यूज करेंगे, वेरी स्पेसिफिक एड्रेस जो है ये और स्टोर है। तो इस तरह से ये जो है हमने जो अभी तक पढ़ा उसको समराइज किया गया। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारे पास आता है प्रपोजिशन ऑफ वर्ब्स। प्रपोजिशन ऑफ वर्ब जो होता है इसका क्या फंक्शन होता है कि इस प्रपोजिशन ने वर्ब के ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना होता है, इसका ये फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन ऑफ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब, वर्ब एंड प्रपोजिशन, यानी कि ये वर्ब प्लस प्रपोजिशन होता है। इसको हम फ्रेजल वर्ब भी कहते हैं, ऑल्ड बाय अ प्रपोजिशन। सम वर्ब्स रिक्वायर स्पेसिफिक प्रपोजिशन टू बी यूज्ड आफ्टर देम इन अ सेंटेंस। द कॉम्बिनेशन ऑफ सच अ वर्ब एंड रिक्वायर्ड प्रपोजिशन इज कॉल्ड प्रपोजिशनल वर्ब एंड फ्रेजल वर्ब। अब अगर हम यहां पे देखें कि वेटिंग फॉर, नॉकिंग एट, लिसनिंग टू, ये इनके ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये इंट्रोड्यूस करवा रही हैं। बिलीव इन गॉड, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनका फंक्शन ऑब्जेक्ट फाइंड करवाना होता है। जैसे यहां पे देखें, ये फीवर है, ये द पुअर है, द ब्लैक बोर्ड है, ये तो ये एट, वॉकिंग एट, लुकिंग एट, लाफिंग एट, सफरिंग फ्रॉम, तो ये इनके जो ऑब्जेक्ट है जिनको वो इंट्रोड्यूस करवाती हैं। अब चंद एग्जांपल्स है हमारे पास फ्रेजल वर्ब की, जैसे टेक है, टेक ऑफ का मतलब है टू बिगिन फ्लाइट, टेक ओवर का मतलब होता है जी टू गेट कंट्रोल, टेक इन का मतलब है कॉम्प्रीहेंड समथिंग, टेक आउट का मतलब टू रिमूव समथिंग फ्रॉम अ प्लेस, फिर टेक आफ्टर का मतलब है टू रिजेंबल समबॉडी इन अपेयरेंस, टेक ऑन का मतलब है टू एक्सेप्ट जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक डाउन का मतलब टू राइट ऑन अ पेपर, और टेक अप का मतलब टू बिगिन अ न्यू हॉबी। तो इस तरह से जैसे जैसे आप देखें प्रपोजिशंस लगती जाती हैं और इनके मीनिंग जो है वो चेंज होते जाते हैं, तो इनको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं, ये टेक के साथ था। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमने पुट के साथ, जैसे टेक था एक पुट के साथ, पुट ऑन, पुट डाउन, पुट ऑफ, पुट अवे, पुट थ्रू, पुट बाय, पुट ऑफ, पुट विद। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारे पास है वर्ड लुक है, लुक आउट, लुक ऑन, लुक इन, लुक फॉर, लुक अप, लुक बैक, लुक टू, लुक थ्रू, लुक आफ्टर, लुक राउंड, लुक फॉरवर्ड टू,
टू लुक अहेड. तो ये अब मीनिंग और इसकी एग्जांपल गिवन है इसके साथ साथ. फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है जी रीड के साथ, रीड समथिंग बैक, टू रीड समथिंग अगेन. रीड ऑन का मतलब होता है टू रिसर्च, रीड फॉर का मतलब होता है टू स्टडी फॉर समथिंग, रीच ओवर और थ्रू का मीनिंग है टू रीड समथिंग क्विकली फॉर द बिग फ्रॉम द बिगेनिंग टू द एंड. रीड इन टू का मीनिंग है टू बिलीव दैट अ सिचुएशन हैज अ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट, और बिलीव ऑफ का मतलब क्या होता है टू रीड समथिंग अलाउड. तो इस तरह से रीड के साथ ये डिफरेंट मीनिंग बन रहे हैं जी. इसी तरह से ये ब्रेक के साथ आप देख सकते हैं, ब्रेक अवे, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन. एक के ज्यादा भी मीनिंग हो सकते हैं, जब ब्रेक डाउन फेल, टू सीज अ फंक्शन, ब्रेक डाउन डिके और ब्रेक डाउन डाइजेस्ट. तो ये एक के ज्यादा भी मीनिंग हो सकते हैं, ब्रेक इवन, ब्रेक इन, ब्रेक इन टू, ब्रेक आउट और ब्रेक अप. देन नेक्स्ट हम देखें प्रपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप में. सबसे पहले हम देखेंगे लिमिट्स को. लिमिट्स में हमारे पास तीन प्रपोजिशन आती हैं, अराउंड, अलोंग और विदन. जैसे ये देखें, ये एक शब है और इसके गिर्द बच्चा, इसके गिर्द जो वो चक्कर लगा रहा है. जैसे ये एक लेट्स सपोज बॉल है और एक स्मॉल बॉल इसके गिर्द इस तरह से मूव कर रही है, एंगुलर मूवमेंट. तो ये अराउंड हो गया, तो ये अराउंड हो गया जी. दिस इज अराउंड मूवमेंट. देखें ये इसके सरफेस के साथ साथ जो चल मूव कर रहा है, तो ये मूव अराउंड. अब उसके साथ अलोंग है. लेट्स सपोज ये देखें, ये एक रोड है, ये रोड है और एक पर्सन यहां पे है. ये पर्सन इस रोड की इस बाउंड्री के साथ पैरेलल मूव कर रहा है घर की तरफ. तो जब हम किसी बाउंड्री वॉल के पैरेलल मूव करेंगे तो वो अलोंग कहलाएगा. तो यहां पे अलोंग आना चाहिए, अलोंग. जैसे रूम की वॉल उसके पैरेलल हम मूव करें, वॉकिंग अलोंग द वॉल, वॉकिंग अलोंग द रोड. और फिर थर्ड जो है विदन. अब ये पर्सन एक सर्कल में है, तो इस सर्कल के अंदर कवर, तो ये विदन द सर्कल. हम कहते हैं फिल विदन द सर्कल. अगर यहां पे देखें फिल विदन द सर्कल, तो फिर यहां पे हम इसको, ये इस बाउंड्री के अंदर अंदर हम इसको फिल करेंगे, तो ये विदन आ जाएगा. तो इस तरह अराउंड, अलोंग और विदन. नेक्स्ट हमारे पास आते जी प्रपोजिशन ऑफ रिलेटिव पोजिशंस. उसमें कौन कौन सी आती हैं? दूसरा अबव, अंडर, ओवर, बीनीथ, ऑफ, नियर बाय, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, बिसाइड, बिहाइंड, अमंग, अहेड ऑफ और बिफोर. ये हमारे पास रिलेटिव पोजिशंस वाली प्रपोजिशंस आ जाती हैं. अब हम वन बाय वन देखते हैं. जैसे देखिए अबव एंड ओवर, ये अबव एंड ओवर का है कि जब ओवर आता है तो वो बिल्कुल सर के ऊपर होता है, ये ओवर है. और अगर एंगुलर हाइट पे हो जो उसके सर के ऊपर से गुजर जाए, उसे हम अबव कहते हैं. ठीक है, जैसे फ्लाई ओवर्स होते हैं, वो हमारे सर के ऊपर से गुजरते हैं, तो उसे हम फ्लाई ओवर कहते हैं. ठीक है, इसी तरह से ओवर है द प्लेन है, लाइक ये ओवर पे आ जाते हैं, ये बीनीथ पे आ जाता है. ठीक है, इसी तरह से अगर कोई चीज नीचे से गुजरेगी तो वो अंडर में चली जाएगी, और अगर ये ऊपर से नीचे उतरेगा तो ये उस पोजीशन से दूर जाएगा पोजीशन, तो वो ऑफ की पोजीशन में चला जाएगा. अगर हम सर से कैप को उतारे तो टेक ऑफ या रिमूव करने की सेंस में भी जो आता है. अब अगर हम इसको देखते हैं, चूंकि ये पोजीशन है, अगर ये ऊपर बिल्कुल ऊपर है तो ये ओवर की पोजीशन पे, और ये चूंकि नीचे से गुजर रहा है इसलिए बीनीथ आ जाएगा. तो इस तरह से अगर हम इस वाली पिक्चर्स में देखें तो ये जो कैट है ये इसके अंडर है, ये दो थे, दो के दरमियान आ जाए तो बिटवीन होगा, और ये अगर इससे बाहर आती है तो आउट ऑफ यक भी होता है, और अगर बाहर आता है तो आउट ऑफ होगा, और क्लोज टू वैसे नियर बाय आ जाएगा. और अगर ये इसके अंदर है तो इन और इनसाइड आ जाएगा, इसके ऊपर है बिल्कुल ऊपर है तो अबव आ जाएगा, अगर इसके पीछे है तो बिहाइंड आ जाएगा प्लेस के लिए, इसके ऊपर खड़ा है तो ऑन आ जाएगा, और अगर इसके आगे है तो फिर इन फ्रंट ऑफ आ जाएगा. अब ये यहां पे देखें तो ये दो के दरमियान है तो बिटवीन है, दो से ज्यादा हो तो मंग होता है, और अगर बिल्कुल साथ है तो ये बिसाइड्स आ जाएगा. जैसे लेट्स सपोज कि अगर ये एक हट बनाए, ये हमने एक हट बनाई, और अब यहां पे अगर कोई पर्सन इस यहां पे खड़ा है तो ही इज इनसाइड, अगर इस यहां से आगे यहां पे आ जाता है तो ये आउट ऑफ या फ्रॉम आ जाएगा, ही केम आउट ऑफ द रूम. और अगर यहां पे लेट्स सपोज अगर इसके करीब ही एक अदर कोई ये एक ट्री है तो ये नियर बाय में आ जाएगा. तो इस तरह से जैसे जैसे पोजीशन चेंज होती जाती है वैसे वैसे प्रपोजिशन भी चेंज होती जाएगी. नेक्स्ट हम देखते हैं जी हमारे पास आता है प्रपोजिशन ऑफ रिलेटिव मूवमेंट. अब इसमें रिलेटिव मूवमेंट में कौन कौन सी प्रपोजिशन आती हैं? देखिए अक्रॉस आ जाता है, थ्रू आ जाता है, आउट ऑफ आ जाता है और अगेंस्ट आ जाता है. सबसे पहले हम अगेंस्ट को देखते हैं. यहां पे ये अगेंस्ट, वी आर अगेंस्ट वॉर. अब ये देखें, एक जब भी दो फोर्सेस आपस में कोलाइड करेंगी, फिजिकल फोर्सेस हों या वर्चुअल फोर्सेस हों, तो वो जो है अगेंस्ट यूज होगा. लेट्स सपोज अगर ये एक ये हमने ट्री बनाया था, एक पर्सन इसके अगर स्टेम के साथ ऐसे टेक लगा के खड़ा है तो वो अपनी बॉडी से उसको बैकवर्ड फोर्स दे रहा है, और ये
जो ट्री का स्टेम है उसको अपवर्ड फ्रंटवर्ड फोर्स दे रहा है, तो दोनों बैलेंस कर रहे हैं, तो ये ही इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। अगर कोई आप स्टॉर्म के अगेंस्ट चल रहे हैं तो वी आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट, क्योंकि हम एक फोर्स लगा रहे हैं और स्टॉर्म भी आगे से फोर्स लगा रहा है, तो जब दो अपोजिट फोर्सेस कोलाइड करती हैं तो यहाँ पे फिर क्या, तो अगेंस्ट यूज़ करते हैं। फिर आपका जी अक्रॉस, जब हम जैसे अब ये रोड है, ये रोड एक सर्फेस है, जब हम इस बाउंड्री से इस बाउंड्री का हम सर्फेस से इधर गुजर के चले जाएंगे तो फिर हम अक्रॉस द रोड होगा। जैसे ये देखें इस बाउंड्री और इस बाउंड्री है, जब ये पर्सन यहां से मूव करके यहां पे इस बाउंड्री के साइड पे आ जाएगा तो अक्रॉस द ब्रिज हो जाएगा, अक्रॉस द ब्रिज है। लेकिन अगर हम इस बाउंड्री और इस बाउंड्री को लें और अगर इनक्लोज्ड एरिया हो, कवर्ड हो, इनक्लोज हो, ये बॉल इधर से गया और इधर से आया तो ये थ्रू के लिए आता है। तो जब हम किसी इनक्लोज एरिया से निकल के दूसरी साइड पे जाते हैं तो थ्रू आता है, और अगर हम किसी सरफेस के ऊपर से चल के जाते हैं तो हम अक्रॉस यूज करते हैं। और आउट ऑफ हम यहाँ पे देख चुके हैं कि अगर कोई पर्सन अंदर था वह इस पोजिशन से निकला और यहाँ पे आगे खड़ा हो गया तो ये दूसरी पोजिशन आ गई, तो ये आउट ऑफ जो है वो वाली पोजिशन आ जाती है। जैसे अगर हम इस बॉक्स को देखते हैं, ये पोजीशन यहाँ पे था, अगर इससे निकल के यहाँ पे आ जाता तो ये आउट ऑफ है। तो ये पोजीशन के अकॉर्डिंग मूवमेंट करके जो पोजीशन चेंज की जाती है, तो उसको क्योंकि इसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन ऑफ स्पेशल, ये वर्ड स्पेस से बना है प्लेस, तो स्पेशल रिलेशनशिप हमने यहाँ पे डिस्कस की। यहाँ पे हमने कुछ एक जनरल जो है वो प्रेपोजिशन जैसे इन और इनसाइड यहाँ पे आ जाएगा, ये इसकी सरफेस के ऊपर ऑन आ जाएगा, तो ये इसके बिल्कुल पोजीशन साथ पड़ा हुआ है, इसकी लोकेशन देखनी है तो ऐट आ जाएगा, इसके करीब है नियर आ जाएगा, इसके नीचे है तो अंडर आ जाएगा, इसके ऊपर सर्फिस को टच नहीं कर रहा, अगर टच नहीं कर रहा तो फिर ओवर है, ठीक है। अगर टच करता होता तो ऑन होता, इसके बिल्कुल ये देखें बिलो है, इस तरह से ये अबव में आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से ये इस ब्लैक बॉल के अराउंड में आ जाते हैं, फिर इसकी तरफ मूवमेंट कर रहा है तो थ्रू आ जाएगा, और ये ज़्यादा के दरमियान है तो अमंग है, दो के दरमियान है तो रेड बॉल बिटवीन में है, ये नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो डाउन आ रहा है जैसे डाउन स्टेयर, ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो अप स्टेयर, अगर ये यहाँ से मूव इस बाउंड्री से मूव करके इधर चला गया तो अक्रॉस आ रहा है, अगर इसकी बिल्कुल पैरेलल बाउंड्री टू चल रहा है तो ये अलोंग आ रहा है, अगर ये इसके सामने पड़ा हुआ है तो इन फ्रंट ऑफ है, अगर इसकी बैक पे प्लेस किया गया तो ये बिहाइंड आ जाएगा, अगर ये दोनों अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट फोर्सेस पर पड़े हैं तो ये अपोजिट आ जाएगा, जंप करके ऊपर जा रहा है तो ऑन टू आ जाएगा, यहाँ से दूर जा रहा है तो ऑफ आ जाएगा, इसके अंदर जा रहा है तो इन टू आ रहा है, इससे बाहर निकल रहा है तो आउट ऑफ आएगा, ठीक है। अगर ये एक दूसरे के यहाँ था और इसके करीब से निकला है तो ये पास्ट हो गया, इसी तरह से ये इसके बिल्कुल अगर हम पैरेलल हैं, जैसे यहाँ पे देखें ये दो पर्सन हैं, अगर ये दोनों हैं, अब ये दोनों की अगर डायरेक्शन ये है तो ये बिहाइंड पे है और ये इन फ्रंट ऑफ है, अगर इसका भी है तो ये दोनों ये अहेड ऑफ पे है, अगर ये भी इस तरह मुंह करके और इसका भी अगर फेस है, फेस टू फेस है, तो ये दोनों एक दूसरे के इन फ्रंट ऑफ या बिफोर पे हैं, इन फ्रंट ऑफ बिफोर पे हैं, अगर ये दोनों साइड बाय साइड हैं तो फिर ये नेक्स्ट टू या बिसाइड और बाय की पोजिशन पे आ जाते हैं, अगर ये दोनों फोर्सेज लगा रहे हैं तो अगेंस्ट आ जाएगा, अगर इसके ऊपर से टच किए बगैर गुजर रहा है तो ओवर आ रहा है, ठीक है। अगर ये यहां से स्टार्ट करके यहां पे जा रहा है तो इस जगह के लिए फ्रॉम होगा, यहां के लिए टू होगा, और अगर ये रेड बॉल ब्लैक की तरफ मूव कर रहा है, मूवमेंट बतानी है, तो फिर टू वर्ड होगा। इस तरह से हमने सारी प्रपोजिशन को यहां पे देखा। अब हम अपने पूरे लेक्चर की समरी यहां पे देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन, प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन में हमने एट को देखा, पॉइंट के लिए एट है, उसके लिए प्लेस, डेस्टिनेशन, डायरेक्शन, और फिर सर्फिस होता है जब वो किसी सर्फिस के ऊपर हो जिसको कवर ना किया गया, ऑन हो, और फिर अगर एनक्लोज हो जाए तो उसके लिए इन यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमने देखा जी डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन में मूवमेंट टूवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ समथिंग, यानी कि मूव करके, तो उसके लिए हमने इन, इन टू और इन और इन टू यूज देखा। फिर हमने देखा जी ओरिएंटेशन टू अ गोल, यानी कि डेस्टिनेशन की तरफ, तो उसके लिए टू टूवर्ड्स होता है, टू अ फिजिकल डेस्टिनेशन होती है और टूवर्ड मूवमेंट होती है, ठीक है। और टू जो है ये पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, परमिशन के लिए और कम्युनिकेशन के लिए भी, जैसे लिसन टू। और देन हमने देखा जी मूवमेंट टूवर्ड्स अ सर्फेस में, जब सर्फेस की तरफ मूव किया जाएगा तो ऑन टू या ऑन यूज किया जाएगा। फिर हमने वर्ब की प्रपोजिशंस को देखा, वर्ब एंड टाइम की। सबसे पहले हमने टाइम देखा, टाइम वन पॉइंट टाइम है, उसके लिए एट देखा, ऑन को पढ़ा, फिर पार्ट्स ऑफ डेज के लिए इन है, और मंथ ईयर सीजन्स के लिए हमने इन पढ़ा। फिर हमने टाइम एक्सटेंडेड टाइम में सिंस फॉर बाय फ्रॉम टू फ्रॉम टिल ड्यूरिंग विदन, ये सारे हमने डिस्कस किए। और देन इसके बाद हमने वर्ब को देखा कि वर्ब जो होता है वो जो प्रपोजिशन ऑफ वर्ब जो होती है वो इंट्रोड्यूस ऑब्जेक्ट ऑफ, जैसे एट, ऑफ, अबाउट ऑफ या फॉर था।
नेक्स्ट हमारे पास स्पेशल रिलेशनशिप में हमने सबसे पहले रिलेटिव पोजीशंस को देखा, अंडर, अबव एंड बिलो, बीनीथ, अमंग, नियर बाय, इनसाइड, बिसाइड, बिहाइंड, अहेड ऑफ, इन फ्रंट ऑफ या ऑफ, ये हमने डिस्कस किया। फिर हमने रिलेटिव मूवमेंट्स को डिस्कस किया, फ्रॉम, अक्रॉस, थ्रू और अगेंस्ट, और देन फिर हमने लिमिट्स को डिस्कस किया, अलोंग, विदन एंड अराउंड। तो ये हमने टोटल प्रेपोजिशन को 5 पार्ट्स में डिवाइड करके हमने टोटल डिस्कस किया जी। थैंक यू वेरी मच। फॉर फर्दर प्रैक्टिस आप MD CAT की प्रैक्टिस बुक को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी।